3828 AD की एडवांस बुकिंग हो चुकी है चालू। चालू होते ही उन्होंने मचा दिया भौकाल। बुकिंग शुरू होते ही इंडिया से लेकर यूएस तक बना डाले बड़े से बड़े रिकॉर्ड। पूरी अपडेट जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के। कल की 2898 AD के ट्रेलर को ऑडियंस ने बहुत किया है पसंद। इस फिल्म के विजुअल को, स्टार कास्ट को, कहानी को, एक्शन को जम के चर्चा मिल रही है। हाल में ही कल की 2898 AD का ट्रेलर आया था जिसने भौकाल मचा दिया है पूरे सोशल मीडिया। कल की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। बुकिंग शुरू होते ही 24 घंटे में लग रहा है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होने वाली है। इस फिल्म को धुआंधार रिस्पांस मिलने के बाद शाम तक ही फिल्म की ऑफिशियल बुकिंग ओपन कर दी गई है। बुकिंग के 24 घंटे के बाद बताया जा रहा है कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होने जा रही है। कैसी है कल की 2898 AD की बुकिंग, आइए पूरी रिपोर्ट जानते। कल की 2898 AD की अभी तक 5 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं। 24 घंटे पहले शुरू हुए एडवांस बुकिंग को धुआंधार रिस्पॉन्स मिल रही है। इस बुकिंग से इस फिल्म ने 15 लाख रूपए का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया। अभी फिल्म के रिलीज में 3 दिन बाकी और ये तय है कि तगड़े एडवांस ग्रॉस कलेक्शन के साथ ये फिल्म पहले ही दिन रिकॉर्ड ओपनिंग कलेक्शन करेगी। उत्तर भारत में कल की 2898 AD के एडवांस बुकिंग ऑफिशियल सोमवार को सुबह अनाउंस की गई थी और दोपहर तक नेशनल चेन्स में इसके 10,000 से ज्यादा टिकट बिक चुके थे। इंडिया में पहले दिन की बुकिंग का रिकॉर्ड। ट्रेड एनालिस्ट नीतीश शॉ ने जानकारी शेयर करते हुए बताया है कि बुक माय शो पर रविवार को 1 घंटे में कल की 2898 AD के 68,000 टिकट एडवांस में बुक हो गए हैं। इस साल 1 घंटे में सबसे ज्यादा टिकट बुक होने का रिकॉर्ड ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर को था जिसके लिए 46,000 टिकट बुक हुए थे। बुक माय शो पर 1 घंटे में सबसे ज्यादा टिकट बुक होने के मामले में सबसे ऊपर जवान है। शाहरुख खान की इस फिल्म के लिए 1 घंटे में 86,000 टिकट बुक हुए थे। दूसरे नंबर पर 83,000 के साथ थलापति विजय की लियो है और तीसरे नंबर पर रणबीर कपूर की एनिमल है जिसके 80,000 टिकट 1 घंटे में बुक हुए थे। इसके बाद कल की 2898 AD आती है। मगर यह दिलचस्प बात है कि जवान, लियो और एनिमल पिछले साल की फिल्में हैं और इनका 1 घंटे में सबसे ज्यादा टिकट बिकने का रिकॉर्ड रिलीज के बाद वाले दिनों में बना है जबकि कल की 2898 AD ने यह कमाल एडवांस बुकिंग वाले स्टेज पे ही कर डाला है। फिल्म के रिलीज में अभी 3 दिन बाकी और इससे पूरा दम है कि रिलीज से पहले ही बाकी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। US में भी कल की 2898 AD का धमाका। US कनाडा से प्रभास की फिल्में तगड़ी कमाई करती आ रही है और कल की 2898 AD ने तो एडवांस बुकिंग में ही कमाल कर दिया। 2024 में रिलीज हुई फिल्मों की यहां पर कमाई देखे तो सबसे ज्यादा कलेक्शन फाइटर ने किया है। ऋतिक रोशन की फिल्म ने US कनाडा में $7.62 मिलियन लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन किया था। दूसरे नंबर पर $5.31 मिलियन के साथ हनुमान और तीसरे नंबर पर $3.64 मिलियन वाली क्रू है। कल की 2898 AD ने सिर्फ एडवांस बुकिंग में ही US कनाडा में $3 मिलियन से ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन कर डाला है जबकि अभी ऑलमोस्ट 3 और फिल्में एडवांस बुकिंग होनी है। इस बात का पूरा चांस है कि पहले वीकेंड में ही कल की 2898 AD यहां पर 2024 की सबसे कमाऊ फिल्म बन जाएगी। रिपोर्ट बताती है कि ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य देशों में भी कल की 2898 AD की एडवांस बुकिंग पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। प्रभास स्टार कल की 2898 AD सिर्फ इंडिया में ही नहीं विदेशों में भी धुआंधार ओपनिंग करने के लिए तैयार दिख रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कल की 2898 AD फिल्म फ्लॉप होगी या हिट, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको कल्की का ट्रेलर कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब कर ले दो। फिल्म से जुड़े ऐसी लेटेस्ट खबरों के लिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज दोस्तों दिल से सपोर्ट करो यार, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। आप लोग की एक सपोर्ट से मेरा दिल ऊंचा ऊंचा बाग बाग हो जाए।